तो दोस्तों ये गाड़ी है, इस गाड़ी में इशू है पिकअप का। जब गाड़ी 70-80 की स्पीड के ऊपर जाती है तो उस टाइम पे चेक इंजन लाइट आ जाती है क्लस्टर मीटर में। वो मैं आपको दिखाता हूँ जरा। गाड़ी अभी चौक में खड़ी है इसलिए चला के दिखा नहीं पाया, बट जो प्रॉब्लम है एक्सेक्ट वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी तुरंत लाइट आ गई थी एंड इसके बाद देखो ये दो लाइटें आ रखी हैं, ये वाली आ रही है जिगजैग टाइप और ये चेक इंजन लाइट। ठीक है, अभी मैं एक बार स्टार्ट और करके दिखाता हूँ आपको। जब मैं एक चीज़ और बताऊँ, निसान की जो ट्रेनो वरेनो है और जो और दूसरी जो गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों में क्या अगर फॉल्ट बिल्कुल ओके हो जाता है, लाइट ऑटोमेटिक इग्निशन ऑन करते ही चली जाती है, बट इसके अंदर अभी फॉल्ट है इसलिए लाइट आ रही है परमानेंट। स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट हो गई, ये देखिए बंद हो जा रही है ना, फिर स्टार्ट हो गई, बंद हो गई, लेकिन लाइट नहीं जा रही है इसकी, ठीक है ना। और ये बार बार स्टार्ट होकर बंद इसलिए हो रही है, इसका एयर फिल्टर मैंने फोन के बाहर निकाला हुआ है। तो ये चेक इंजन लाइट है, आज इसको ठीक करेंगे। एंड इशू जो है वो है पिकअप का, ये एयर फिल्टर निकला पड़ा था, अभी इसको लगाते हैं। तो अभी फिक्स कर लिया एयर फिल्टर, स्टार्ट करो जरा, ये देखो फिक्स करते ही ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। मतलब इसको ये सेंसर है ना, ये वैल्यू देता है, पता करता है कितना डाटा, कितनी एयर अंदर जा रही है, कि बाहर पड़ा हुआ था तो बता नहीं पा रहा था, इस वजह से इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। अभी मैं दिखाता हूँ लाइट, ये देखो स्टार्ट गाड़ी में लाइट आ रही है, और आरपीएम देख लो आप, ठीक है 1000 के आसपास है। अभी हम गाड़ी को कर देते हैं बंद एंड इसका सॉल्यूशन आपको मैं बताता हूँ क्या क्या ख़राब है, और इसमें आज EGR भी क्लीन करेंगे। तो गाड़ी में जो इशू है डीजल गाड़ी के अंदर, इसमें 80 की स्पीड के ऊपर जाके खोलो एयर फिल्टर, खोलो आप EGR भी निकालो इसका, मुझे चेक करना है। 80 की स्पीड के ऊपर जाके गाड़ी का पिकअप डाउन हो जाता है और वो चेक इंजन लाइट आ जाती है। तो सबसे पहला फॉल्ट तो एक ये है मॉड्यूलेटर का, ठीक है ना, ये मॉड्यूलेटर खराब हो गया, अंदर से जल गया, इस वजह से गाड़ी का पिकअप डाउन हो जा रहा है, ठीक है। मेन चीज़ तो यही है, EGR को खोल के चेक करेंगे और इसमें प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या खुलेगा, और EGR को आप घर पे भी कैसे क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो EGR खोलेंगे एंड ये पार्ट रिप्लेस होगा तब गाड़ी ओके होगी। मेन मोटिव मेरा ये है कि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि EGR कैसे क्लीन करते हैं। पाइप निकाल दिया अलग, ये लोक रहता है, ये लोक निकालना होता है, ठीक है। टर्बो के पीछे पाइप होता है, वो बताता हूँ आपको। ये जो पाइप दिख रहा है सीधा टर्बो का ही है, ठीक है ना, ये दिख रहा है। इस पाइप में लगता है ये जाके, ये ऐसे फिक्स हो जाता है और लोक लग जाता है, और ये होता है EGR। अभी EGR बाहर आएगा, इसको खोलेंगे और आज मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगा EGR कैसे क्लीन होता है और क्या क्या इसके अंदर रहता है। ये ओरिजिनल है, प्लास्टिक वाला लोकल होता है, वो चलता है, बनाता निशान ही है, पर उसको लोकल बताते हैं, मतलब क्वालिटी का फर्क है। ये लोहे का है तो इसको ओरिजिनल बोला जाता है, ठीक है। तो अभी इसको खोलेंगे और ये पाइप होता है एग्जॉस्ट प्रेशर एग्जॉस्ट गैस प्रेशर सेंसर। ये EGR आज क्लीन करेंगे हम एंड आज तरीके से दिखाऊंगा 110 गाड़ी का EGR कैसे क्लीन करते हैं। सन्नी माइक्रा छोटी गाड़ी जो उनका आराम से खुल जाता है, बट इसमें थोड़ी सी फिटिंग ज़्यादा है। ये पाइप है जो कूलेंट का, ये पाइप खोलना पड़ता है, क्लिप है ये, इसके लिए स्पेशल टूल चाहिए, वो पेचकस, ठीक है ना। तो इसको खोलते हैं और दिखाता हूँ EGR 110 गाड़ी का कैसे क्लीन होता है। चलता है इसके अंदर भी इतना अच्छे से बाहर हो जाएगा। ये हालत है इसकी EGR की, तो बहुत बुरी तरह चोक पड़ा हुआ, बहुत बुरी तरह। अभी मैं इसको इसमें लगाता हूँ जरा, कनेक्टर लगा के इग्निशन ऑन ऑफ करके देखते हैं ये वाल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंदा है, हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो साफ करेंगे। तो देख रहे हो, ये इसी की वजह से पिकअप का इशू बनता है समटाइम। बढ़िया से साफ करेंगे, पहले इसको चेक करते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। स्विच ऑन करो जरा, करो दोबारा ऑफ करके ऑन करो, ऑफ करके ऑन करो, नहीं कर रहा काम बिल्कुल भी, ये वाल स्टक हो गया पूरा, ये फिर से ऑफ करके ऑन करो,
बंद करके ऑन कर रहा है ना, ठीक है खोलो इसे धो बढ़िया से, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, स्टक हो गया ये, इस वजह से दिक्कत आ जाती है पिकअप में। अभी हम इससे इसको क्लीन करेंगे, ये देखो लॉक टाइट का है, ठीक है ये रहा कार्बोरेटर टोटल क्लीनर, इससे भी कर सकते हैं रस्ट बस से, इससे भी कर सकते हैं, ये भी लॉक टाइट का है, अच्छे से ये क्लीन करता है टोटल, इसे साफ करेंगे बढ़िया से, फिर उसके बाद चेक करते हैं, ठीक है सब लिखा हुआ है, पार्ट नंबर ये है इसका, अभी क्लीन करने के बाद चेक करते हैं। तो ये देखो लड़के ने बड़ी मेहनत करके इसको चमका दिया है, एकदम नए जैसा कर दिया है। आप वीडियो में थोड़ा बैक जाके इसका देखना, ऊपर से बाबू यहाँ से और साफ़ कर दे, लेकिन इसको ज़रूरी नहीं होता, मेन चीज़ ये होती है जो वाल है इसका, ये बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए और ओपन क्लोज होते रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम नया कर दिया है तो बहुत अच्छा। अभी इसको चलो इसको लगा दो, फिक्स करो प्रॉपर एकदम बढ़िया से, ठीक है ना, और ये मॉड्यूलेटर चेंज करेंगे, इसके बाद चला के गाड़ी को देखेंगे, गाड़ी ओके हो जाएगी। लगाओ VCR को, ब्लैक स्पॉट जो होता है उसके लिए भी चेंज किया जाता है, इंटरकूलर वगैरह भी क्लीन होते हैं, ठीक है पैक करो बाबू गाड़ी फटाफट, कंप्लीट कर दो, बिठा दो। इसको बिठाना भी आसान नहीं है, बस अब बोल्ट लगेंगे इसमें, बोल्ट लगा के इसको फिक्स कर देते हैं, कंप्लीट कर दो बाबू उसे पूरा एक बार, ठीक है फिर उसके बाद चेक करते हैं लाइट वाइट गाड़ी में है कि। अब गाड़ी हो गई है कंप्लीट एंड अभी मॉड्यूलेटर हम दूसरा लगा रहे हैं इसमें, बिल्कुल ओके कंडीशन का लगाएंगे, फिर इसके बाद चला के देखते हैं गाड़ी को, ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट हो गया सब, अभी देखते हैं ATC इसका जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले मॉड्यूलेटर लगाएंगे तो चेक करते हैं। और लाइट की बात करें तो लाइट अभी भी नहीं गई, ये देखिए लाइट अभी भी इसके अंदर आ रही है, मॉड्यूलेटर लगा लेते हैं पहले लगा के, वैसे मॉड्यूलेटर से लाइट आनी नहीं चाहिए स्टार्ट गाड़ी में, दिक्कत तब आती है जब गाड़ी 70-80 के ऊपर चलती है, ठीक है। तो अभी मॉड्यूलेटर भी लगाएंगे, एक बार इसका DTC डिलीट करेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे। मॉड्यूलेटर हमें मिल गया है, ये देखिए दूसरा मॉड्यूलेटर हम लगा रहे हैं इसमें, ठीक है ना, सेम है एंड यार जो हमारा पुराना था उस पर ऐसे बर्निंग मार्क्स आ रहा था यहाँ पे, और ये टूटा हुआ था इसमें, लगा के कनेक्टर अभी चलते हैं, देखते हैं DTC जाता है कि नहीं जाता अपने आप लाइट, और अगर नहीं जा रहा तो डिलीट मार के चला के चाहिए। तो देखो अभी लाइट इसके अंदर आ रही है, ठीक है, और अभी हमने स्कैनर लगाया है, इसके अंदर कोड आ रहा है DTC, अभी हम इसको इरेज करेंगे फिर चला के देखेंगे गाड़ी ओके होती है कि नहीं होती है, चलो फिर कर दो। तो अभी DTC डिलीट हो गया है, और रीड कोड में जाके दोबारा रीड कोड में नो कोड आ रहा इसको, ठीक है ना, तो अभी कोई कोड नहीं है, लाइट चली गई है, चेक करते हैं गाड़ी चला के 80 की स्पीड पे, अगर लाइट आती है तो फिर इशू है कुछ ना कुछ, फिर अगला देखेंगे टर्बो वर्बो का, अगर नहीं है तो फिर गाड़ी ओके हो गई। तो अभी हम हैं हाईवे पे, वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि भैया हाईवे पे गाड़ी चलाते टाइम मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि 80 की स्पीड के ऊपर लाइट आ जाती थी, और ये देखिए 100 के ऊपर भी हम चले गए हैं, ठीक है ना, और 100 अभी 120 तक भी जाएगी। मेरा फोकस सीधा रोड पे है, इस चीज़ को ध्यान रखें प्लीज़ कि रोड पे गाड़ी चलाते टाइम मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ठीक है, मीटर पे बस मोबाइल है मेरा, और यहाँ आप स्पीड देखते रहो 80 से नीचे नहीं है, और गाड़ी है बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम ओके हो गई है, बढ़िया हो गई है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर इस तरीके की कंप्लेंट अगर आपकी गाड़ी में आती है 60 की स्पीड या 70 की स्पीड के ऊपर गाड़ी में अचानक लाइट आ जाए और गाड़ी ऐसा लगे कि पिकअप नहीं ले रही, उठ नहीं रही, तो उस कंडीशन में आपको इंटरकूलर चेक करना चाहिए, वो ब्लॉक तो नहीं है, दूसरा EGR क्लीन कर दो, वो चोक तो नहीं हो रहा, आपने EGR देखा था बहुत बुरी तरह गंदा हो रखा था, वो क्लीन किया हमने, उसके बाद टर्बो अच्छे से चेक करो, उसमें प्ले तो नहीं है या वो लीक तो नहीं हो गया है, तीन हो गए ये चीज़ें, अगर आप टाइम से या सफाई कर लोगे सही से उसके बाद गाड़ी में इशू ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कोई लाइट नहीं है। दोस्तों यही था इस वीडियो में, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए,
चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।